हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका साड्डा फूड अड्डा में। आज मैं बना रहा हूँ जीरा फ्राइड राइस। आइए देखते हैं जीरा फ्राइड राइस बनाने के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। ये एक बड़ी कटोरी मैंने चावल ले लिया है, इनको उबाल लिया है। एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, इसको छोटा छोटा चॉप कर लिया है। ये मैंने ली है मटर, इनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है। हरा धनिया, और ये 6 से 7 मैंने बादाम लिए हैं, इनको मैंने रोस्ट कर लिया है। आप बादाम को चाहे स्किप कर सकते हैं, उसकी जगह आप पीनट्स भी डाल सकते हैं। ये एक हरी मिर्च ली है मैंने, इसको छोटा छोटा काट लिया है। आधा नींबू लिया है, हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, और ये लिया है मैंने जीरा। आइए शुरू करते हैं जीरा फ्राइड राइस बनाना। सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। कढ़ाई को थोड़ा गर्म होने दें। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब इसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया, अब इसमें हम आधे चम्मच जीरा डालेंगे और जीरे को थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। जीरा हमारा ब्राउन हो गया, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर जो हमने लिए थे। और गैस का फ्लेम आप मीडियम रख लें। अब इसमें डालेंगे हम जो एक हरी मिर्च जो हमने ली थी, इनको दोनों का आपस में अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम आधा चम्मच नमक डालेंगे। नमक मैंने टमाटर के सॉफ्ट होने के लिए डाला है, इससे कि टमाटर जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे और अच्छे से पक जाएंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, अब गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देंगे और जो हमने मसाले लिए थे वो मसाले एक एक करके डालेंगे इसमें। सबसे पहले हम डालेंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर हमें बस 2 पिंच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच। आधा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। और आधा चम्मच डालेंगे गरम मसाला। और मसालों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मसाले हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब गैस का फ्लेम मीडियम कर दें और जो हमने मटर लिए थे उबले हुए मटर, वो उबले हुए मटर डाल देंगे इसमें। मटर को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 से 1.5 मिनट हो गया है और हमारी मटर भी थोड़ा अच्छे से सॉफ्ट और हो गई हैं। अब जो इसमें हमने चावल लिए थे उबले हुए, वो चावल डाल देंगे। और चावल को अब मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चावल हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हरा धनिया। और हमने जो बादाम रोस्ट करके लिए थे वो बादाम भी डाल देंगे। अब धनिया और बादाम को अच्छे से चावल के साथ मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही झटपट और बस 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी है और बहुत जो खाने में बहुत ही टेस्टी। इसको आप ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, इसको आप रात शाम के स्नैक्स में भी बना सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त रेसिपी है ये। ये जो हमने आधा नींबू लिया था, आधा नींबू भी अब इसमें डाल देंगे। चावल को अब अच्छे से मिला देंगे। चावल हमारे ऑलमोस्ट रेडी हो गए हैं। फ्राइड राइस की रेसिपी हमारी रेडी है, आप इसको सर्व कर सकते हैं। आइए अब गैस को कर देते हैं बंद। अब फ्राइड राइस को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
एंड टेक केयर।